बाइक में मैंने बड़े दिनों बाद 35 का एवरेज देखा है। बस अभी मत देखो नहीं तो तुम लोग पैसे निकाल लोगे। सो भाई को सपोर्ट करने के लिए आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आईडी मेंशन है यूट्यूब की, विनीत पांडे ब्लॉग्स। इंस्टाग्राम पे भी आप लोग फॉलो कर सकते हो, मुंबई कर विनीत 108। कितना किलोमीटर और जाना भाई? और हम लोग सुबह के 5 बजे निकले थे और अभी सुबह के 4 बजे प्लेस बंद हो जाता था यार। बंदा दौड़ा लिया हमारे शुभम भाई, सीधा कैमरा निकाल के बैग में रख लिए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज बहुत बड़ी राइड होने जा रही है, मतलब गोवा के बाद गोवा से भी ज़्यादा लंबी। हम लोग निकल रहे उज्जैन के लिए और उज्जैन यहाँ से लगभग 700 किलोमीटर है। तो एक राइडर और ज्वाइन करने वाला है। लास्ट टाइम हमारे साथ प्रज्ञेश थे और इस टाइम हमारे साथ है ऋषभ भाई और मुकेश भाई। तो यहाँ पर हम लोग अपना लगेज कैरी करेंगे। आई डोंट नो ये आएगा कि नहीं इस पर। लेट्स ट्राई, बंजी स्ट्रैप अपन लगाएंगे और कैसे ना कैसे इसको फिक्स करेंगे। हर हर महादेव महादेव। सो चलो यहाँ से हमारी राइड स्टार्ट होती है और ऋषभ भाई अपने MT-15 पे। तो ऋषभ भाई फर्स्ट ब्रेक लेंगे अपन पेट्रोल पंप पे, फिर वहाँ से डायरेक्ट खींचेंगे। गोवा के बाद ये हमारी एक लंबी राइड होने वाली है, ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर। आई डोंट नो कितना टाइम लगने वाला है, देखते हैं। अभी हम लोग कन्फ्यूज्ड है एक्चुअली, हमको ना 3 रास्ते दिखा रहे हैं और हम लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है एक्चुअली हम लोग कौन से रास्ते से जाए। अभी जैसे हम लोग हाईवे पे पहुँचेंगे फिर डिसाइड करेंगे एक्चुअली, जो हमारा मैप है वो चेक करेंगे और जो भी नियर बाय लोकेशन हमें दिखाएगा वहाँ से हम लोग निकलेंगे। कि हम लोग ने भीमा शंकर का ट्रिप किया था और लास्ट संडे सैटरडे संडे हम लोग ने किया था और वो ज़्यादा बड़ा लंबा राइड नहीं था, वो 286 किलोमीटर ही था। और आज हम लोग रिकॉर्ड तोड़ 700 किलोमीटर आज हम लोग कंटिन्यू चलाने वाले हैं गाड़ी। तो वीडियो में आप लोग बने रहिए, अभी सीधा हम लोग आप लोगों को आगे मिलते हैं। थोड़ा सा अभी अंधेरा है तो वीडियो दिखा के कुछ मतलब नहीं होगा, जैसे ही थोड़ा बहुत उजाला आ जाता है वैसे हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो टिल देन आप लोग वीडियो में बने रहिए। ये फ्यूल अप नंबर 1 है, तो फ्यूल अप करते हैं और देखते हैं कि कितना आता है। ऑनलाइन है ना चालू फुल? अभी तो गाड़ी गिर गई रहती नीचे। 767। बस अभी मत देखो नहीं तो तुम लोग पैसे निकाल लोगे। तो फाइनली फ्यूल अप हो गया है, तो आप लोग देख सकते हो 767 का गया है, पेट्रोल रिफ्यूल हुआ है और टाकी फुल हो गई है। तो लेट्स गो। सो चलो यहाँ से हमारी राइड ऑफिशियली स्टार्ट होती है। मुकेश भाई स्टोरी अपलोड करते हुए सीधा औरा। केदारनाथ के शिरडी पूछते भाई, भाई कहाँ जा रहे हो? पैदल चल के? अरे भाई एक नंबर भाई, कितना दिन लगेगा? 2 महीना यार, बहुत बढ़िया। हाँ व्लॉगिंग कर रहे हैं हम लोग, जा रहे हैं उज्जैन। अच्छा कर रहा है? 12 ज्योतिर्लिंग में से 6 ज्योतिर्लिंग मेरा हो गया साइकिल से। साइकिल से बढ़िया भाई। अयोध्या भी गया था मैं, राम मंदिर उद्घाटन था तो वीआईपी दर्शन मिला था, मैं तो पैदल गया था यहाँ से अयोध्या। कुछ बनाते नहीं हो? बनाता हूँ यूट्यूब पे। क्या आईडी है बोल दो? विनीत पांडे ब्लॉग। ठीक है मेंशन कर दूंगा। ठीक है मेंशन कर दूंगा, जरूर जरूर करना यार। अभी आप लोग भी बना रहे हो तो आप लोग के साथ मैं बनाऊंगा, टाइम जाएगा। कोई बात नहीं, चलो बढ़िया, आराम से जाना। ठीक है ठीक है, चलिए बस। महादेव महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ले लो साइड में रुकते। सो भाई को सपोर्ट करने के लिए आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आईडी मेंशन है यूट्यूब की, विनीत पांडे ब्लॉग्स। इंस्टाग्राम पे भी आप लोग फॉलो कर सकते हो, मुंबई कर विनीत 108। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, भाई को सपोर्ट करो। भाई मतलब यहाँ से नाला सुपारा से भाई पदयात्रा कर रहे केदारनाथ का, अभी तक हमारा नहीं हुआ है बट इन फ्यूचर डेफिनेटली हम लोग करेंगे। तो ऐसे कंटेंट क्रिएटर को ज़रूर से सपोर्ट करो, मतलब वॉकिंग केदारनाथ तक जाना ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है भाई। 2 महीने तक मतलब भाई कैसे जाने वाले भाई, नेक्स्ट लेवल है एक्चुअली। भाई साइकिल से जाते हैं बट यहाँ पे मैं पदयात्रा करते हुए देख रहा हूँ भाई ने चप्पल तक नहीं पहना। सोच लो अभी मुंबई में महाराष्ट्र में लगभग 40 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है भाई, पता नहीं कैसे करने वाले। तो चलो अभी हम लोग भी निकलते हैं बिकॉज ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। हमें दिखा रहा है कुछ 14 से 15 घंटे, तो हमें कैसे भी करके आज ये कंप्लीट करना है। तो लेट्स गो।
भैया अच्छे से जाना ठीक है, हर हर महादेव अच्छे से जाना ठीक है। बना लीजिए ना, बना लीजिए। तो चलो चलते हैं, भैया को बाय बाय बोलते हैं। हैप्पी जर्नी भैया। सो लेट्स गो। तो यार नेक्स्ट लेवल का वाइब आ गया भाई, तो काफी क्रेजी वाला वाइब आया अभी। मतलब यहाँ से नाला सुपारा से वॉकिंग इट्स टू डिफिकल्ट यार, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो अभी हम लोग का जो स्टॉप होने वाला है, सेकेंड स्टॉप, वो होने वाला है औरा। जैसे आप लोग सब जानते हो, बाइकर्स लोग वहाँ पे एवरी सैटरडे संडे जाते हैं। तो औरा लगभग यहाँ से 67 कुछ लगभग किलोमीटर है। तो यहाँ से हम लोग औरा तक तो बहुत ही आराम से जाएंगे। अभी मौसम बढ़िया है ना, तो आराम से हम लोग खींच भी सकते हैं गाड़ी। अभी हमारा फर्स्ट टोल आ गया है। ओ स्पीड ब्रेकर मुकेश भाई की फट जाती है जैसे स्पीड ब्रेकर आता है। काश ऐसा ही क्लाइमेट रहता शाम तक, काफी ज्यादा बढ़िया हो जाता, ब्रेक कम लेते और आराम से हम लोग स्ट्रेच कर सकते थे। तो फाइनली अभी आप लोग को बहुत ही बढ़िया से दिख रहा रहेगा, बिकॉज अभी थोड़े टाइम पहले मैंने देखा था क्लाइमेट चेंज हो गया था, बहुत ज़्यादा वाइट आ रहा था, इस वजह से मेरे को चेंज करना पड़ा और एनडी फिल्टर पे आना पड़ा। अभी देखिए कितना ही बढ़िया से आ रहा रहेगा। यस ब्रो, यस ब्रो, ये अपना दूसरा टोल आ गया भाई, दूसरा टोल, दिस इज द सेकेंड टोल। वाह क्या लैंडिंग थी। आई डोंट नो, हम लोग ने एक्चुअली अहमदाबाद वाला रोड कंसिडर किया है, पता नहीं हम लोग के दिमाग में क्या आया कि हम लोग ने ये वाला रूट कंसिडर किया। बहुत सारे लोग सोचते हैं, बोलते हैं कि यार तुम क्या वीडियो बनाते हो। तो देखो भाई लोग, ऐसा है ना, मैं ये सोच के वीडियो नहीं बना रहा हूँ कि यार मेरा वीडियो वायरल हो जाएगा, मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे, मैंने ये कुछ भी नहीं सोचा है। कुछ आएगा नहीं आएगा ये भी तक मैंने नहीं सोचा है। मैं सिर्फ वीडियो क्रिएट करता हूँ ताकि मैं फ्यूचर में जब कभी मैं बुढ़ा होऊंगा तो मैं एटलीस्ट अपने आप को देखूंगा कि मैंने बाइक से कितने सारे जगह को एक्सप्लोर किया है। तो ये ना एक छोटी छोटी सी मेमोरी है जो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं यार। तो ऐसा कुछ प्यारा सा व्यू आता है एनडी फिल्टर लगाने के बाद। तो फाइनली हम लोग औरा पहुंच गए, यहाँ पे हम लोग एक ब्रेक लेंगे, अभी औरा में रुकते हैं अपन। बाकी आप लोग को तो पता ही है ये स्पॉट काफ़ी ज़्यादा फेमस है राइडर्स लोग के लिए। थैंक यू। वांट टू हैव सेल्फी विद मी? चाइल्ड मोलेस्टेशन कर रहे भाई का। तो चलो अभी सीधा हम लोग आगे मिलते हैं आप लोग को। यहाँ पे हम लोग थोड़ा ब्रेक लेंगे, आधे घंटे का कुछ नाश्ता पानी करेंगे और फिर निकलेंगे। सो अभी हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग ने डिसाइड किया वो है ताम्रेज, जो यहाँ से लगभग 158 किलोमीटर है। लेट्स सी कितने टाइम में अपन कवर कर लेते हैं। तो अभी 9:30 कुछ बज रहे हैं और यहाँ से हमें जाना है सीधा सीधा ताम्रेज की ओर। तो हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी कवर करने के लिए। और ये कंक्रीट वाले रास्ते इतने बेकार हैं, पता नहीं कैसे लोग चलाते विदाउट हेलमेट। अभी उसके आँख में मिट्टी गया। सो गाइस इट्स टू रिस्की यहाँ विदाउट हेलमेट चलना। सो हम लोग कोशिश करेंगे ज़्यादा किलोमीटर क्लॉक करने की, अगर हमें थकावट नहीं हुई तो हम लोग कोशिश करेंगे और लंबा खींचने के लिए। देखो यार वो पुराना वाला रास्ता जैसा है ना वैसा रहता, राप रूप हम लोग खींच लिए रहते। तीन क्या है कि है भाई मुकेश भाई, ये ऋषभ भाई है सिंगल, वो आराम से निकाल सकते गाड़ी। और अपने पास है पिलियन प्लस लगेज, सो थोड़ा ध्यान से ही चलाना सही रहेगा। अब यहाँ पे जाने में एक दिक्कत भी हो जाता है कि यहाँ पे क्या सीन होता है ना, यहाँ पे किले रहते हैं बड़े बड़े, तो मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे अपनी गाड़ी पंचर हो।
सो पंचर हो जाएगा तो थोड़ा सीन हो जाएगा यहाँ पे। तो इस वजह से मैं एक्चुअली बोल रहा था कि विक्रमगढ़ से जाते तो ज़्यादा फ़ायदा होता। सो इट्स फाइन यार, अभी गलती कर ली है तो भुगतना तो पड़ेगा ही, और गर्मी अभी पीक लेवल पे जाने वाली है। गाइस आप लोगों को अपडेट दे देता हूँ, अभी यहाँ से सूरत 130 किलोमीटर है और कंटिन्यूसली ऐसे ही पैचेस हैं। यहाँ पे साइड में कंक्रीट वाला रास्ता है और यहाँ पे नॉर्मल जो आपका होता है टायर मैक वाला रोड। अभी तक उतना कसके धूप नहीं लग रहा है, धीरे धीरे अभी बढ़ेगा तापमान। तो हो क्या रहा है पता है, जब भी हम लोग उस पर जा रहे हैं बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जा रहा है, जब हम लोग इस पर आ रहे हैं तो वो वाला रास्ता बहुत ज़्यादा खाली मिल रहा है। तो भगवान के मंदिर हम लोग जा रहे हैं, तो भगवान हमें सेफली पहुंचा देंगे। तो उज्जैन के लिए एक अलग ही फीलिंग है यार। तो हमारा टोटल 4 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो जाएगा, उज्जैन कर लेंगे हम लोग। तो अभी हम लोग है वारवाड़ा, सो ये लोकेशन का कुछ नाम है वारवाड़ा। गाइस अभी हम लोग डुंगरी में है और बहुत ज़्यादा गर्मी है, और हम लोग ने कुछ 90 किलोमीटर कंटिन्यू खींचा है। ऋषभ भाई अभी बहुत ज़्यादा आगे चले गए, हम लोग आराम से चल रहे थे, बिकॉज आप लोग देख सकते हो हमारे पास लगेज है और साथ में हमारे साथ पिलियन भी है, तो थोड़ा सा ध्यान में दे के चलाना पड़ता है। खींच तो मैं भी सकता हूँ नो डाउट 400 cc आराम से, बट स्ट्रेस लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। धूप बहुत ज़्यादा तेज है और हम लोग ज़्यादा थके ना, इस वजह से मैं 70-80 की स्पीड मेंटेन करके चल रहा हूँ। तो चलो अभी निकलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को एक छोटा सा शेड मिला, तो सोचे यहाँ पे रुके, और एक पानी ब्रेक बहुत ज्यादा जरूरी था, बिकॉज हाइड्रेटेड रहना बहुत ज्यादा जरूरी है गर्मी में। तो मुकेश भाई हालत खराब हो रही है कि नहीं? पका हुआ मुझे नहीं पसंद अच्छा है, तो उसको भाजी बनता है, हाँ। तो अच्छा लगता है। तो देखो जैक फ्रूट देखो है, वो लगे अभी छोटे छोटे है, अभी जैक फ्रूट की छाँव में खड़े हम। तो यार चलते हैं अभी, मतलब कुछ बोला भी नहीं जा रहा, इतनी जोर की थकान हो गई है ना। दिक्कत क्या हुई है पता है, ऋषभ भाई सोलो है, प्लस उसने कल की नींद भी कंप्लीट कर ली थी, और हम लोग ने एक मिनट का भी मतलब हमें ना भाई 15 मिनट का भी नींद नहीं मिला है। रात भर हम लोग ने फुल ऑन बकचोदी की है, और उस वजह से अभी हमें भुगतना पड़ रहा है। बट कोई नहीं यार, महादेव से मिलना इतना भी आसान नहीं होता है यार, थोड़ा तो भगवान परीक्षा लेंगे, बराबर ना मुकेश भाई? बहुत परीक्षा अभी के ऊपर है, अभी तो आधा भी हम लोग नहीं आए, अभी बहुत हमें जाना है। यहाँ से लगभग आप लोग पकड़ लो ना 500 किलोमीटर तो अभी भी बाकी होगा। टाइम क्या हो रहा है, 10:57 हो रहा था, औरा से हम लोग निकले थे 9:30 के करीब। तो चलो फटाफट से अभी निकलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सो चलो मोटो ब्लॉगिंग में अभी डायरेक्टली मिलते हैं आप लोग से। सो ये रहे भाई लोग, अभी आ रहे हैं, ये देखो दोनों आलसी है, दोनों बीच में रुक के टाइम पास कर रहे थे। अभी पहुँच रहे दोनों जन। तो कैसी हालत, कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है। पिलियन का फीडबैक लेते हैं। मुंह के पास दिख मत। पिलियन का फीडबैक कैसा लग रहा है? मैं तो पिलियन भाई क्या ही बोलूँगा, मैं तो बैठ के आ रहा हूँ भाई, चला ही। राइडर का फीडबैक, मालिक से बात करो। राइडर का फीडबैक नहीं, कस के धूप है ना, हालत खराब हो गई है चलाने की, आंख नहीं खुल रही है, और रात को भाई की वजह से ना सो भी नहीं पाया यार। अभी हम लोग का जो नेक्स्ट स्टॉप होने वाला है अंकलेश्वर, जो कि यहाँ से 109 किलोमीटर है। तो फटाफट से चलते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी है, अंदाजे लगा लो 40 डिग्री तो होगा ही होगा। इतना ज्यादा थकान हो गई है ना, निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, बट अभी हमें फटाफट से 110 किलोमीटर कैसे भी कवर करना है। तो यार पता नहीं मेरा ट्रिप सेट ही नहीं हुआ, सो लेट स्टार्ट। अभी तक मेरे को फ्यूल अप नहीं कराना पड़ा है, दो सेल खत्म हुआ है, 34 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आ रहा है। बाबा रे बहुत तेज धूप है, हालत बहुत ज़्यादा बदतर हो गई है। सो हम लोग ने पानी पिया और स्टिंग पिया ताकि थोड़ा सा एनर्जी मिले, बिकॉज स्टिंग में कैफीन रहता है ना, तो थोड़ा एनर्जी मिलता ही है, वो तो मेरे को पता है। अब रेडबुल मैं हर बार तो अफोर्ड नहीं कर सकता, अब 110-120 के अराउंड वो आता है, और हर जगह वो अवेलेबल भी नहीं है, स्टिंग इजीली अवेलेबल है। तो थोड़े थोड़े सिप लेके हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं, बिकॉज आज हम लोगों कैसे भी करके आज MP में हमें टच होना है, और कल सुबह हमें कैसे भी करके दर्शन करना है, और फिर वहाँ से हम लोग तुरंत से ही निकल जाएंगे रिटर्न। सो यही हम लोग ने स्पीड मेंटेन रखा है 74-75। तो
तो अपने ऋषभ भाई भी साथ में है। भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, एमटी ब्रोस। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा या तो टाइटल में टैग कर दूंगा भाई को, तो भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब करना। भाई बहुत ही अच्छे कंटेंट बनाता है ऋषभ भाई। सो एक हाथ में मैंने ग्लव्स पहना है, एक हाथ में ग्लव्स नहीं है, बीइंग रीज़न कि मेरे को ना ब्रेकिंग्स के लिए वो जमता नहीं है ज़्यादा, एक्चुअली ब्रेकिंग हो जाता है इस वजह से। आई नो ये ऐसा क्यों होता है, सस्ते वाले ग्लव्स है इस वजह से। अच्छे वाले ब्रांडेड ग्लव्स होंगे ना तो ऐसा कुछ नहीं होगा, वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो अभी हमें कैसे भी करके 110 किलोमीटर तो कुछ भी करके कवर करना है और विदाउट ब्रेक एक्चुअली करना है। तो अभी हम लोग 842 तो लगभग 900 प्लस जाएंगे, तब जाके हमारा 110 किलोमीटर कंप्लीट होगा। और यहाँ के एटलीस्ट रोड अच्छे हैं यार, तो उसका टेंशन नहीं है। थोड़े बहुत पैचेस है बट स्टिल इट इज़ मैनेजेबल यार। जो हमारे इधर के रोड थे ना वो बहुत ही ज़्यादा बेकार थे, और उस रोड में मतलब गाड़ी चलाना वो तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया था। अब मैं विक्रमगढ़, इसलिए अगर आप लोग उज्जैन जाना चाहते हो ना तो मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आप लोग नाला सुपारा वैसे ही विरार से हो तो विक्रमगढ़ वाला रास्ता प्रीफर करना। वहाँ से आप लोग नासिक से जा सकते हो, तो वो बढ़िया आपके लिए एक ऑप्शन रहेगा। बाकी आप लोग के लिए हम लोग ये सब मेहनत करते हैं, अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आते हैं, तो सपोर्ट ज़रूर से कीजिए आप लोग यार। तो वो जो ब्रेक हम लोग ने लिया ना बहुत ज़्यादा कारीगर साबित हुआ, थोड़ा सा फ्रेशन अप हो गए हम लोग, मतलब रिलैक्स फील हो रहा है। तो अभी हम लोग 100 किलोमीटर तो आराम से खींच सकते हैं। तो दिस इज़ द थर्ड टोल प्लाजा, तो ये देख के ना एक अलग से खुशी मिलती है, बिकॉज ऐसा लगता है कि एक एक माइलस्टोन हम लोग अचीव करते जा रहे हैं, तो ये एक चीज़ बढ़िया है यार। बाइक में मैंने बड़े दिनों बाद 35 का एवरेज देखा है भाई, 400 cc 35 का एवरेज दे रही है, बहुत ज़्यादा बढ़िया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, नौसारी में रुकते एंड लेट्स सी, अगर पेट्रोल पंप मिलता है तो वहाँ पे हम लोग फ्यूल अप करा लेंगे। तो बाइक पे एक चीज़ अच्छा है यार, टोल व्हील का टेंशन नहीं रहता है, अनटिल एंड अनलेस आप लोग यमुना एक्सप्रेस हाईवे या फिर लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे पे हो, वहीं पे आप लोग को देखने को मिलेगा। और मैंने चढ़ा दिया ऊपर अभी मैं देख रहा हूँ कि अरे ये तो भाई सीन शॉट है, बट नसीब यहाँ पे दिया हुआ है ऐसा सच। ट्रैफिक एड पोस्ट, तो ये एक अच्छा है यार, यहाँ के रोड्स काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन धूप तो हद पार है, हद पार। इट्स टू हॉट ब्रो, इट्स टू हॉट। जरा सा स्लो होता है और ऋषभ भाई गायब हो जाते हैं। भाई ऋषभ भाई अकेले सोलो चल रहा है ना भाई, तो उसको उधर पे बेनिफिट मिल जाता है। और मैं ज़्यादा स्पीड जाता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि जब तक ये नोन रोड नहीं है ना तब तक आराम से ही चलो। एंड यार इट शोज रिड्यूस द स्पीड। सूरत आ चुके हम लोग, वहाँ से हम लोग ने चेकआउट किया था, कुछ 18 किलोमीटर था, तो 18 किलोमीटर तो हो गया, तो काफ़ी डिसेंट स्पीड में जा रहे हैं हम लोग। तो आई होप हम लोग टाइम पे पहुँच जाएंगे। तो हम लोग ने जो डिसाइड किया था, हम लोग नवसारी में अंकलेश्वर में रुकेंगे, तो वो तो हम लोग डेफिनेटली वहाँ पे रुकेंगे, बिकॉज वहाँ से कुछ 140 या 110 या 120 किलोमीटर था, मैं भूल गया यार। मतलब एक तो इतना तेज धूप है ना और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, तो मैं भूल गया, तो वही लगभग 150 समथिंग था। तो वो स्ट्रेस तो हम लोग 150 किलोमीटर आराम से खींच देंगे। वो जो ब्रेक था ना वो मच नीडेड ब्रेक था, तो वो ब्रेक की वजह से ना हम लोग इतना ज़्यादा रिफ्रेश्ड हो गए ना कि अभी आराम से ना 200 किलोमीटर भी खींचना रहेगा ना हम लोग खींच लेंगे बड़े आराम से। सो वही है, चल रहे हैं, आप लोग को नज़ारे दिखा रहे हैं। बट इस रूट पे ना आप लोग को एक भी सीनिक नहीं मिलेगा, सीनिक लोकेशन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, बस सीधा सीधा पैच है, तो इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा दिखाने लायक है नहीं, बस गाड़ी चल रही है एंड नथिंग एल्स टू शो यार। यार कुछ दिखाने जैसा है नहीं, बस स्ट्रेट स्ट्रेट रोड है। बट और ये वाला पैच हम लोग ने एक्चुअली किया भी था जब भी हम लोग गए थे अपना स्टैचू ऑफ यूनिटी, दिस वॉज द सेम रूट जो हम लोग ने किया था।
तो चलो आगे मिलते हैं आप लोग को। अभी हम लोग सूरत के अंदर ही हैं और बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, तो सोचा कि कहीं रुकते हैं और पानी पीते हैं, बिकॉज हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धूप बहुत कस के, बहुत कस के, तो कहीं ना कहीं हम लोग रुकते हैं, तो देखते हैं कहीं भी अपने को शेडिंग वेडिंग कुछ मिलेगा या वहाँ पे शॉप कुछ होगा तो वहाँ पे ज़रूर से ही रुकेंगे। ठीक है, तो वीडियो में आप लोग बने रहिए, जहाँ पे भी हम लोग स्टॉप करेंगे कोशिश करेंगे वहाँ पे हम लोग वीडियो को एंड करें, बिकॉज ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा तो देखने में उतना मज़ा नहीं आएगा। तो 20 से 25 मिनट की हम लोग वीडियो रखने वाले हैं, तो इसके पूरी एपिसोड्स बनेंगी। तो चलो देखते हैं कि कहीं हमें शॉप वेप मिल जाए या फिर कोई टपरी टाइप मिल जाए जहाँ पर हमें ठंडा पानी मिल जाए, तो वहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे। अम्बोली करो खोलवाड़। अच्छा, तो अभी हम लोग अम्बोली है, अम्बोली। सो ठीक है गाइस, रुकते हैं कहीं हम लोग।